सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ब्रह्मप्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रह्मप्रकाश दुबे, ये बात तो है, पहले वेट एंड वॉच था, फिर उसके बाद बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, एनएसए से भी मुलाकात की और कल 2 घंटे तक इस बैठक का चलना, भारत किस तरीके से नजर रखे हुए है ऐसे हालात में, जब कल हमने देखा पाक आर्मी चीफ बाजवा खुले तौर पर कह रहे थे कि हम तो कश्मीर का मसला या कश्मीर को समर्थन जारी रखेंगे, यानी कि वो पाकिस्तान तो कम से कम बाज नहीं आएगा। बिल्कुल सचिन, देखिए पाकिस्तान तो लगातार एक साजिश रच ही रहा है। देखिए कि बीती रात ही अफगानिस्तान के कई प्रदेशों में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जिस तरह से पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर वहां दखल दे रहा है, और जिस तरह से पंजशीर में पाकिस्तान की सेना ने ड्रोन अटैक किए और पंजशीर में रेजिस्टेंस फोर्स के महत्वपूर्ण नेताओं को मारा है, उसमें पाकिस्तान का हाथ है, और पूरे अफगानिस्तान में कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, बीते रात कई प्रदेशों में वहां पर प्रदर्शन हुए हैं। तो पाकिस्तान तो ना सिर्फ अफगानिस्तान में बल्कि भारत के खिलाफ तो पहले से साजिश रचता रहा है, लगातार आतंकी घुसपैठ कराता रहा है और उससे भारतीय सेना लड़ती रही है। देखिए तालिबान के अफगानिस्तान में दाखिल होने से, कब्जाने से भारत, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत के समक्ष चुनौती बढ़ गई है सचिन, और उसी लिहाज से भारत अपनी तैयारी कर रहा है, खासतौर से सीमा पर जिस तरह से चुनौती आने वाली है कि जो लड़ाके हैं वो थ्रू पीओके बॉर्डर, भारतीय बॉर्डर तक आएंगे, तो उस लिहाज से भारत ने भी, देखिए सीमा पर भी हमारी तैयारी है, और खासतौर से रणनीतिक लिहाज से भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर जितना संभव हो सकता है स्ट्रेटजी के साथ दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहा है। देखिए इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, तालिबान क्या कर रहे हैं, सब अपनी नजर रखे हुए हैं, लेकिन इसमें भी दो धड़े बने हुए हैं। एक धड़ा वो है जिसमें चीन शामिल है, पाकिस्तान शामिल है और कुछ और देश शामिल हैं जो तालिबान को लगातार समर्थन दे रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजी तालिबान को समर्थन देने की है, लेकिन भारत अभी भी देखिए इसको खासतौर से अफगान और तालिबान को लेकर कोई बयानबाजी नहीं कर रहा है। भारत की बिल्कुल स्पष्ट रणनीति है कि वेट एंड वॉच, तालिबान आगे करता क्या है, सरकार किस तरह से फॉर्म होती है, किस तरह से उसकी पॉलिसीज होती हैं, उसके बाद भारत आगे बढ़ेगा, लेकिन तालिबान भले ही आगे कुछ कैसा भी करे उसके पहले भारत अपनी जो सुरक्षा तैयारी है, खासतौर से जो हमारी कश्मीर बॉर्डर पर और चुनौती बढ़ने वाली है, उस लिहाज से अपनी रक्षा तैयारी भी भारत उस लिहाज से कर रहा है, यानी भारत किसी भी चुनौती से निपटने के लिए आंतरिक रूप से भी तैयार है और इंटरनेशनली आप देखिए कि भारत एक्टिव है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।